नून लीगी छह अराकीन की असेंबली में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ ओपोजिशन का असेंबली के बाहर एहतजाज और नारेबाजी। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी खूब गर्जे बरसे, कहते हैं ओपोजिशन आज नहीं तो कल मुत्तहिद हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने गरीब की सवारी मेट्रो बस का भी हक छीन लिया। चौधरी परवेज इलाही पंजाब बैंक पर डाके के दाग को नहीं धो सकते। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हम सब मिल बैठेंगे क्योंकि सबका ये कहना है कि ये जाली मैंडेट है, आवाम के वोटों पर डाका पड़ा है, तो आज या कल हम सबको मिल बैठना है। तो गरीब की सवारी थी मेट्रो बस, जो गरीब आदमी ठंडी सवारी टाइम पर सफ़र करता था वो भी हक छीन लिया गरीब आदमी से, मेट्रो बस के किराए भी बढ़ा दिए। तो मेरे भाई, मुल्क चंदों से नहीं चलते हैं, और आज मैं स्पीकर पंजाब असेंबली को वार्न करता हूँ कि यह आपकी जानबदारी जो आज आपने अपने ही मनपसंद सेक्रेटरी असेंबली के भतीजे से मेरे खिलाफ करारदाद अपना जो है वो पेश की है, ये ज़ख्म जो आप लगा रहे हैं अपने जानबदारी इकदाम के पंजाब असेंबली की तारीख में, ये हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। परवेज इलाही साहब, आप जितना मर्जी शाह से शाह के वफादार बंदे, पंजाब बैंक के डाके के दाग को आप नहीं धो सकते। आप ने जो अलाइनमेंट इस अपना जो है रिंग रोड की बदली, आप इस चोरी के दाग को नहीं धो सकते, और आप जो मर्जी कर लें, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं।